कुंभ मेला के दौरान आपात स्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने लगभग 95 पॉइंट पर योजनाएं तैयार की हैं और उन योजनाओं को एनडीएमए द्वारा आज परखा गया दो दिन से, और आज उसकी हमने ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए उसका रिहर्सल किया। इस दौरान सोमेश्वर महादेव मंदिर पर एक आईडी ब्लास्ट और आतंकवादी हमले की घटना का एक डेमो तैयार किया गया था, जिस पर सभी अपनी इकाइयों ने अपने अपने रिएक्शन दिए हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में थाना एसडीएम और सीओ ने अपनी भूमिका निभाई और डेलिबरेट रिस्पॉन्डर के रूप में स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, बिजली विभाग इत्यादि ने अपनी भूमिका निभाई और इमरजेंसी रिस्पॉन्स और एसेंशियल रिस्पॉन्स स्पेशलाइज्ड एजेंसियों के द्वारा बीएसएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ तथा जल पुलिस, एंटी सबोटाज टैकिंग टीम, बीडीडीएस और हमारी जो एटीएस यूनिटें थी, उन्होंने अपनी अपनी भूमिका को निभाया। एनडीएमए के पदाधिकारियों ने पुलिस और अन्य इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनका हम लोग शामिल करके अपने आपातकालीन योजनाओं को और उन्नत और प्रभावशाली बनाएंगे। इस दिल का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सभी इकाइयां जान लें कि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें क्या करना है और कहां जाना है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले और आपात स्थिति को प्रभावी तरीके से निपटाया जा सके।